सीमा हैदर और उसके प्रेमी सचिन मीणा से यूपीएटीएस की पूछताछ लगभग पूरी हो गई है। साथ ही सेंट्रल एजेंसियों ने भी दोनों से पूछताछ की है। पूछताछ के दौरान यूपीएटीएस को सीमा हैदर के जासूसी से जुड़े कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। अब एटीएस अपनी जांच रिपोर्ट यूपी के गृह विभाग को भेजेगी। इसके बाद सीमा हैदर और उसके चार बच्चों को पाकिस्तान डिपोर्ट करने की कार्रवाई पर फैसला लेगी। लखनऊ से एसएसपी एटीएस अभिषेक सिंह की टीम ने पूछताछ पूरी की है। वहीं यूपी पुलिस के स्पेशल डीजी प्रशांत कुमार ने सीमा हैदर और सचिन से जुड़ी डिटेल जारी की है। कहा जा रहा है कि सीमा हैदर के द्वारा अपने बच्चे चार बच्चों के साथ भारत में घुसने पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। सीमा के पास से दो वीडियो कैसेट, चार मोबाइल फोन, पांच पाकिस्तानी अधिग्रहित पासपोर्ट और एक ऐसा पासपोर्ट जिसमें आधार और नाम नहीं है मिला है, जिनकी जांच की जा रही है। यूपी पुलिस ने बताया है कि सचिन मीणा और पाकिस्तानी महिला सीमा गुलाम हैदर ऑनलाइन गेम पबजी के माध्यम से साल 2020 में एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 15 दिन की मुलाकात में दोनों ने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए थे और फिर उनके बीच व्हाट्सएप पर बातचीत शुरू हो गई थी। नंबर शेयर किए थे और व्हाट्सएप ऐप पर एक दूसरे से बात करने लगे थे। पहली बार सीमा हैदर 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से निकली थी। 10 मार्च 2023 को पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर फिर वहां से शारजा एयरपोर्ट आई थी। इसके बाद नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट पहुंची थी। 17 मार्च को इसी रूट से नेपाल से वापस चलकर 18 मार्च को पाकिस्तान कराची एयरपोर्ट पहुंच गई थी। वहीं ग्रेटर नोएडा का रहने वाला सीमा का प्रेमी सचिन मीणा 8 मार्च 2023 को परी चौक गौतम बुद्ध नगर से गोरखपुर पहुंचा था। 9 मार्च को गोरखपुर से सोनाली बॉर्डर होते हुए काठमांडू नेपाल के लिए निकला। 10 मार्च की सुबह काठमांडू पहुंचा था। इसके बाद सीमा और सचिन न्यू बस अड्डा पार्क के पास न्यू विनायक होटल के रूम में साथ रुके थे। दूसरी बार सीमा हैदर 10 मई 2023 को 15 दिन के टूरिस्ट वीजा पर पाकिस्तान से अपने चारों बच्चों के साथ नेपाल के लिए निकली। हवाई यात्रा कर कराची पहुंची, फिर कराची से काठमांडू आई। यहां से 11 मई की सुबह काठमांडू यानी कि नेपाल पहुंची। सीमा अपने चारों बच्चों को लेकर बस में पोखरा पहुंची। यहां होटल में किराए का कमरा लेकर रात भर रुकी। 12 मई को सुबह अपने चारों बच्चों के साथ पोखरा से बस से जनपद सिद्धार्थ नगर से भारत में प्रवेश किया। यहां से लखनऊ आगरा होते हुए गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा के बस स्टैंड पर उतरी। सीमा के प्रेमी सचिन मीणा ने पहले से ही ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में किराए का कमरा ले रखा था। तब से सीमा अपने चारों बच्चों और सचिन के साथ इसी किराए के घर में रह रही है। यूपी पुलिस का कहना है कि पूछताछ में सामने आया है कि सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर, जो 2019 में काम के लिए सऊदी अरब गया था, सीमा हैदर को खर्च के लिए 70-80 हजार रुपए महीने भेजता था। मकान का किराया, बच्चों की स्कूल फीस, घर खर्च के बाद सीमा 20-25 हजार रुपए की बचत करती थी। उसने अपने गांव में 1 लाख रुपए की 20 महीने की दो कमेटी यानी कि लोगों के समूह द्वारा पैसे जोड़े जाना भी डाल रखी थी। साल 2021 में दोनों कमेटियों के खुलने के बाद सीमा को 2 लाख रुपए मिले। इस तरह साल का 4-5 लाख रुपए सालाना बच जाता था। सीमा अपनी बचत को सारा पैसा मकान मालिक की बेटी के पास रखती थी। 1 लाख हैदर के पिता ने भेजे थे। इसके अतिरिक्त एक बार हैदर ने 2.5 लाख सऊदी से एक साथ सीमा को भेजे थे। रिश्तेदारों की मदद से 1,20,000 रुपए से 39 गज का मकान सीमा ने अपने नाम से खरीद लिया था। 3 महीने बाद जनवरी 2022 में मकान सीमा ने 12 लाख रुपए खरीदा गया मकान बेच दिया, क्योंकि उसे सचिन के पास आना था। यूपी पुलिस का कहना है कि अभी तक पूछताछ और जांच पड़ताल में सीमा हैदर के पाकिस्तानी जासूस होने के सबूत नहीं मिले हैं। जांच जारी है। फिलहाल ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।